एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। कुछ समय निकालकर वीडियो जरूर देखें। एक गांव में राजा था जो काफी दुष्ट था। सारी प्रजा उससे काफी डरती थी। राजा का एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफी डरावना लगता था। राजा ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। राजा ने सोचा, अपने बेटे को राजा बनाने से पहले मैं अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बना लेता हूँ और इसे महल में लगवा दूंगा, ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे ना भूले। राजा ने अपने राज्य के सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलवाया और कहा, जो मेरी सबसे बेहतरीन तस्वीर बनाएगा उसे मैं इतनी दौलत दूंगा कि उसकी 10 पुश्तें भी उस दौलत को नहीं खर्च कर पाएगी। साथ में राजा ने यह भी कहा कि जो मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसे मैं मौत की सजा दे दूंगा। मौत का नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि राजा की अच्छी तस्वीर बनाने की, क्योंकि बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बना पाना मुश्किल था। बड़े बड़े चित्रकारों ने मना कर दिया, लेकिन एक चित्रकार ने सोचा, यही सही मौका है अपने आप को सफल बनाने का। उस चित्रकार ने तस्वीर बनाई जिसे देखकर राजा बेहद खुश हुए और बाकी सभी चित्रकार देखते रह गए। चित्रकार ने राजा की तस्वीर दिमाग लगाकर कुछ इस तरह बनाई कि राजा घोड़े पर शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आंख बंद है और उनका टूटा हुआ हाथ और पैर भी घोड़े के दूसरी ओर होने की वजह से छुपे हुए हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि लोग खराब सिचुएशन में दिमाग लगाने की जगह पीछे हट जाते हैं और उन्हें कभी कुछ बेहतर नहीं मिल पाता। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी खराब परिस्थिति है तो समझ जाइए, इसमें एक बहुत बड़ा मौका भी छुपा हुआ है। यकीन मानिए, खराब परिस्थिति में जो व्यक्ति दिमाग लगा लेता है उसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि अगर आपको अपनी खराब परिस्थिति को संभालना आ गया तो आप बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सफल होने वाले होंगे। इसलिए कभी हार मत मानिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे जरूर शेयर करें।